सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के भीमताल में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधे लिए चलते हैं उत्तराखंड के भीमताल। रास्ते पर आप लोगों ने मेरा स्वागत किया है, मैं भी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर शीश झुकाकर आप सबका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। बहुत सारी योजनाएं यहां पर आपके विधायक रहते हुए यहां पर चालू हुई है। आज के दिन भी यहां पर 3787 लाख रुपए का यानी कि 37 करोड़ रुपए का यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, जिसमें 3,67,00,000 रुपए का लोकार्पण हुआ है, 34,20,00,000 की योजनाओं का यहां पर शिलान्यास हुआ है। और काला आगर जो पंपिंग योजना है, ये योजना आने वाले समय में इस क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली है, जिससे 23,70,00,000 की योजना है, जिसमें 9 ग्राम पंचायतें, 9 राजस्व गांव, 84 बस्तियों के 1,185 परिवारों को शुद्ध जल मिलेगा। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं 4 जुलाई 2021 को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, हमारे गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी के आशीर्वाद से और राष्ट्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से, मेरे जैसे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए एक सैनिक के बेटे को मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर प्रदान किया। मैं उनका आपकी सबकी तरफ से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपके बीच का हूं और पिछले 5 महीनों का कालखंड मेरा पूरा हुआ। 5 महीने के कालखंड में मैंने कोशिश की है कि मैं उत्तराखंड के सुदूरवर्ती सारे इलाकों में जाऊं और 5 महीने में हमने 500 से भी ज्यादा फैसले लिए हैं। और केवल फैसले ही नहीं लिए हैं, केवल घोषणाएं नहीं करी हैं, जैसे आपके बीच में कुछ घोषणा भी आते रहते हैं बीच बीच में, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, उन्होंने अपने समय में हजारों घोषणाएं करी और धरातल पर एक भी नहीं उतरी, सैकड़ों में भी नहीं उतरी। और हमने जितनी घोषणाएं करी, अभी ग्राम प्रधान संगठन के लोग आए थे, वो धन्यवाद कर रहे थे, मैं भी उनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो त्रिस्तरीय पंचायत में काम करने वाले हमारे प्रतिनिधि हैं, निश्चित रूप से उनको किसी न किसी रूप में प्रोत्साहन मिलना चाहिए। अभी क्षेत्र पंचायत के लोग आए थे, वो भी कह रहे थे कि हमारा भी कुछ बढ़ाइए, हम भी काम करते हैं। हमने कहा है हम सबके बारे में विचार करेंगे। जितना समय मुझे मिला है उस समय में मैंने कोशिश की है कि हर वर्ग का, जैसे चाहे हमारी आंगनबाड़ी की बहनें, जगह जगह मैं जाता हूं तो आंगनबाड़ी की बहनें भी धन्यवाद करने आती हैं, यही जाता हूं आशा बहनें धन्यवाद करने आता हूं, अतिथि शिक्षक धन्यवाद करने आते हैं, संविदा शिक्षकों का मामला हमने पहली बार उठाया था और वो सब भी धन्यवाद करने आते हैं। हमारी कोशिश है, अभी सरकारी कर्मचारियों का गोल्डन कार्ड से संबंधित समस्या थी, हमने उस पर भी जो है काम किया। नीचे के क्षेत्रों में नजूल भूमि को लेकर समस्या थी, हमने नजूल के क्षेत्र में काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि 2025 जब हम उत्तराखंड स्थापना का 25वां वर्ष जब हम मना रहे होंगे, यानी कि 25वीं वर्षगांठ जब मना रहे होंगे, तो उत्तराखंड राज्य हमारा हर दृष्टि से डबल इंजन की सरकार, वहां मोदी जी की सरकार और यहां आप लोगों की सरकार, दोनों सरकार मिलकर उत्तराखंड को हर दृष्टि से, चाहे हमारे इस क्षेत्र की फल पट्टी की बात हो, चाहे वो हमारे क्षेत्र की पर्यटन की बात हो, चाहे हमारे हवाई कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे हमारे आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में एक रोड मैप तैयार करने के लिए हमने एक बोधिसत्व, एक विचारों की श्रृंखला शुरू की है, जिसमें आप जैसे लोगों से, हमारे समाज के विभिन्न वर्गों में जिन्होंने बहुत क्षेत्रों में अलग अलग काम किया है, जिनका अनुभव है, जो पहाड़ से पलायन रोकने में कारगर हो सकता है, यहाँ के लोगों को रोजगार देने में कारगर हो सकता है, यहाँ की कृषि बागवानी कैसे बढ़े, यहाँ के नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, हम रोजगार की कैसे व्यवस्था करें, स्वरोजगार को कैसे बढ़ाएं, इस सारे क्षेत्रों को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी देहरादून जब आए थे तो उन्होंने हमारे सामने एक लक्ष्य और रखा है कि उत्तराखंड में होम स्टे योजना, जो पर्यटन के क्षेत्र में हमारे विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी, उस योजना को बढ़ाने के लिए हम लगातार विचारों की श्रृंखला आयोजित कर रहे हैं। सारे विभागों से हमने कहा है कि अगले आने वाले 10 सालों का रोड मैप तैयार करिए, और जब हम अपनी स्थापना का 25वां स्थापना दिवस मना रहे होंगे
तो हमारा राज्य हिंदुस्तान का नंबर वन राज्य होगा। उसके लिए हम काम कर रहे हैं, लगातार उसके लिए काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत एक शक्तिशाली भारत के रूप में उभरा है। पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज हमारी माताएं बहनें जंगल जाती थी, लकड़ी लाती थी, कहीं पैर फिसल जाता था, कहीं दुर्घटना हो जाती थी, फिर चूल्हा फूंकती थी, चूल्हा फूंक कर जो है उनके कलेजे के अंदर न जाने सैकड़ों बीड़ी और सिगरेट का धुआं चला जाता था। अगर इनके आंसुओं को पोंछने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरी दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम आयुष्मान भारत योजना, जिसने 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य के क्षेत्र में गारंटी देने का काम कि अगर आप बीमार पड़ जाओगे, आपको कोई परेशानी हो जाएगी, अस्पताल में इलाज करवाना पड़ेगा, तो 5 लाख रुपए तक का इलाज प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिवर्ष देने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। इस कोरोना महामारी के समय में, इस कोरोना महामारी के समय में भी देश के 80 करोड़ भाई बहनों को जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं उनको मुफ्त में राशन देने का काम किया है। अभी कोविड की वैक्सीन आप देखिए, जगह जगह 1 करोड़ 20 लाख लोगों को आज पूरे देश के अंदर कोविड की वैक्सीन लग गई है। और हमने लक्ष्य लिया था हम दिसंबर में इसको पूरा करेंगे, लेकिन मैं स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को, स्वास्थ्य वर्करों को, उनके सहयोगी वर्करों को, सारे विभागों को मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि हमारे यहां ये पहले डोज का लक्ष्य जो है अक्टूबर के माह में ही पूरा कर लिया गया है। भाइयों बहनों, हमारे प्रदेश के लिए बहुत सारी योजनाएं हम बना रहे हैं। जिस प्रकार से देश में नरेंद्र मोदी जी बना रहे हैं, उसी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए उत्तराखंड के अंदर हमने बहुत सारी योजनाएं शुरू की है। पहले दिन से हमने 24,000 जो पद हमारे रिक्त हैं उन पर हमने भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की है। हमारे नौजवान भाई बहने जो फार्म भरते हैं, हमने उनकी सारी परीक्षाएं, जो प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, उन सभी को इस कोरोना महामारी में आर्थिक तंगी से गुजर रहे भाई बहनों को देखते हुए उन सारी परीक्षाओं को निःशुल्क करने का निर्णय लिया है, बिना फीस के। इसी प्रकार से एनडीए, सीडीएस, लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाली परीक्षाएं, आईएएस की परीक्षा, आईपीएस की परीक्षा, पीसीएस की परीक्षा, पीपीएस की परीक्षा, इनमें सब में चिकित्सा चयन बोर्ड की परीक्षाएं, जो भी हमारे भाई बहन उनमें प्राथमिक परीक्षा पास कर लेंगे, यानी कि प्री एग्जाम पास कर लेंगे, उन सबको पढ़ाई के लिए आगे तैयारी करने के लिए। तो ये उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी भीमताल में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और साथ ही मोदी सरकार के और अपने सरकार की नीतियों के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या कुछ सरकारों ने दिया है, डबल इंजन की सरकारों ने।